डायमंड हार्बर जाते समय जो रास्ते में जिस तरीके से मेरा स्वागत हुआ था और जिस तरीके का प्रशासन और राजनीतिक दल दोनों के आपसी योजनापूर्वक जो अटैक हम सब पर हुआ था वो सारे देश ने देखा। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इसका बहुत कड़ा नोटिस लिया और उसके पश्चात यहाँ की भी जवाबदेही तय भी हुई। और आज जब मैं दोबारा आया हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सो फार सो गुड। अभी मेरी यात्रा बाकी है। जिस तरीके का वातावरण यहाँ मुझे देखने को मिलता है वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ कुल मिलाकर के प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। और दूसरा, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। द पॉलिटिकल पार्टी, द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इज वर्किंग विद अ क्रिमिनल इंस्टिंक्ट और वो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है। और तीसरी बात कि भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, संस्थागत बना दिया गया है। और ये बहुत स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है। जब मुझ जैसे प्रोटेक्टी को प्लानिंग से सड़क पर रोककर पॉइंट ब्लैंक रेंज से अटैक किया जा सकता है और जब हमारे सहयोगियों को जिस तरीके से अटैक किया गया, यह अपने आप में इस बात को बताता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक आम आदमी के लिए किस तरीके की परिस्थिति है वो हम सबको स्पष्ट देखने को मिलती है। लगभग 130 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कुल मिलाकर के 300 बीजेपी सपोर्टर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं। और ये सिलसिला रुका नहीं है। मैंने खुद 100 लोगों का बाग बाजार के घाट पर 28 सितंबर 2019 को 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण किया था, 100 वर्कर्स का तर्पण किया था बाग बाजार घाट पर जाकर के, और वो विजुअल्स आपने देखे थे, सारे देश ने देखे थे। 100 परिवारों के कार्यकर्ताओं के परिवार वाले उस तर्पण में शामिल थे। और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे 6-7 लोगों की जाने, पिछले 9 तारीख को मैं आया था और फिर से मैं 9 तारीख को आया हूँ, इस एक महीने में यहाँ भी घटनाएं घटी हैं। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।